हेलो एवरीवन, मैं वसीम और आप सब देख रहे हैं गुलबर्गा हेडलाइंस। जिस तरह से हाल ही में गुलबर्गा हाईकोर्ट की बेंच की तरफ से एक फैसला आया है, जिस तरह से तमाम पुलिस स्टेशन में जब आवाम को तकलीफें होती हैं, लोग जब अपनी कंप्लेंट लेकर वहां पर जाते हैं शिकायत दर्ज कराने के लिए, तो वहां पर आवाम के साथ इस तरीके से रवैया पेश किया जाता है कि उनको सताया जाता है कि उनको यहाँ पर आप केस इस पुलिस स्टेशन में नहीं आता, आप दूसरे लिमिट में आप वहां जाके कंप्लेंट करिए, लोगों को इस तरीके से परेशान किया जाता है। तो इसी मसले पर हाईकोर्ट की बेंच ने गुलबर्गा शहर के स्टेशन बाजार पीएस के एसएचओ को ये सजा के तौर पे वहां पर अपने पीएस के सामने जो झाड़ू मारने की सजा दी थी, इस मसले पर जीरो एफआईआर पर ज्यादा फोकस किया गया हाईकोर्ट की तरफ से कि जीरो एफआईआर के तहत वो एसएचओ है, एसएचओ जो है वहां पर कंप्लेंट दर्ज कर सकते। तो इस मसले पर हाईकोर्ट ने सुप्रीटेंडेंट ऑफ पुलिस गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट को भी ये आदेश दिया है कि तमाम डिस्ट्रिक्ट में जितने भी पीएस लाते हैं, तमाम पीएस के जो सर्कल्स हैं, जो पुलिस ऑफिसर हैं, उनका एक वर्कशॉप रखकर जीरो एफआईआर क्या होती है उनको सिखाया जाए। जो जीरो एफआईआर का जो मसला है उस पर हमारे साथ बात करने के लिए गुलबर्गा शहर के सीनियर एडवोकेट जनाब सादात हुसैन उस्ताद सर हमारे साथ मौजूद है। तो जो जीरो एफआईआर के ऊपर जो हाईकोर्ट ने जो बताया है कि जीरो एफआईआर क्या होती है, तो मैं चाहूंगा कि व्यूवर्स को भी आप बताएं और तमाम लोग जो पीएस में जिस तरह से लोगों को परेशान करते हैं, क्या वजह है इसकी? सर, जीरो एफआईआर का कोई लीगल वो नहीं है। जीरो एफआईआर करना ही चाहिए ऐसा नहीं है। अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस डिस्क्लोज होता है वो कंप्लेंट में, ओरल कंप्लेंट में, रिटन कंप्लेंट में, तो उसको रजिस्टर करना, वो पुलिस स्टेशन के ज्यूरिसडिक्शन में अगर नहीं आता है तो कौन से पुलिस स्टेशन ज्यूरिसडिक्शन वहां पर भिजवा देना। ये इंसिडेंट हमारे पुलिस स्टेशन के ज्यूरिसडिक्शन में नहीं हुआ है, इसलिए हम आपके कंप्लेंट को लेते नहीं, रजिस्टर नहीं करते बोल के बोल नहीं सकते। मैंडेटरी है वो एफआईआर, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट रिगार्डिंग द कमीशन ऑफ ए कॉग्निजेबल ऑफेंस, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें अगर डिले होगा, लेट अगर हो गया, बहुत सारे केसेस में कोर्ट में ऐसा भी हुआ है, वो कंप्लेंट बोलता पहले हम एक पुलिस स्टेशन गए, वहाँ पुलिस स्टेशन बोले ये हमारी ज्यूरिसडिक्शन में नहीं आता, दूसरी जगह जाओ बोले, वहाँ गए हम, इसमें तीन चार दिन चले गए हमारे, तो लेट। तो एफआईआर जो है अगर कोर्ट को लेट पहुँचता है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट कोर्ट को अगर डिले हुआ है, लेट हुआ है, तो उसको एक्सप्लेन करना पड़ता है। प्रॉपर एक्सप्लेन नहीं किए तो सारे केस पे उसका इफेक्ट होता है। एफआईआर बहुत ही वाइटल डॉक्यूमेंट है क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में, क्रिमिनल केसेस में एफआईआर इज ए वेरी वाइटल डॉक्यूमेंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट विच कम्स इन टू एग्जिस्टेंस एट द अर्लीस्ट पॉइंट ऑफ टाइम। इन्वेस्टिगेशन के शुरू होने से पहले ही वो डॉक्यूमेंट तैयार हो जाता है, इसलिए उसकी बड़ी अहमियत है। इसलिए इमीडिएटली उसको रजिस्टर करना चाहिए कौन से भी पुलिस स्टेशन में, जाकर आप फर्ज करिए ऑफेंस यहाँ पर हुआ, जगत पुलिस स्टेशन के पुलिस स्टेशन में हुआ, वो कंप्लेंट लेके स्टेशन बाजार में जाता है, तो स्टेशन बाजार का एसएचओ जो है, इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस जो इंचार्ज है, वो ये बोल के एफआईआर रजिस्टर करने से इनकार नहीं कर सकता कि वो इंसिडेंट जो हुआ है उसके ज्यूरिसडिक्शन में नहीं आता। उसको रजिस्टर करके जगत के पुलिस स्टेशन के ज्यूरिसडिक्शन तो वहाँ भेजा देना, मैंडेटरी है। इसलिए यह सारा इन्वेस्टिगेशन अफेक्टेड हो जाता है, लेट नहीं हो सकता उस पर एफआईआर। इसलिए जो वाइटल डॉक्यूमेंट है कि लेजिस्लेटर का ये इंटेंशन है कि इमीडिएटली ऑफेंस होने के फौरी बाद सही जो वाकयात हैं विदाउट एनी एम्बलिशमेंट बोलते हैं, विदाउट एनी एम्बलिशमेंट और कंकॉक्शन कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन में पहुंच जाना कंप्लेंट, ताकि बाद में उसमें हेरा फेरी करने का, कंकॉक्शन करने का कोई स्कोप नहीं रहना। इसीलिए एज अर्ली एज पॉसिबल एफआईआर शैल रीच द हैंड्स ऑफ द मजिस्ट्रेट। सर, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि तमाम पीएस को यह मैंडेटरी है कि वो लोग अपने लिमिट में ना आते हुए भी केस को दर्ज करना चाहिए, इसके बावजूद भी जिस तरह से लोगों को परेशान किया जाता है कि ये केस हमारे लिमिट में नहीं आता, आप दूसरी तरफ चले जाइए, तो इस तरह का जो रवैया आवाम के साथ किया जाता है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इसलिए कि उनको मालूम नहीं है कानूनी क्या पोजीशन है, इसका वाकिफ नहीं है। इसलिए जो हायर ऑफिसर्स हैं, कमिश्नर ऑफ पुलिस है, सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस है, आईजीपी है, डीआईजी है, ये लोग जो है वर्कशॉप करके अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में
ये अवेयरनेस क्रिएट करना, पुलिस ऑफिसर्स में अवेयरनेस क्रिएट करना कि ये जो है जीरो एफ आई आर आप नहीं कर सकते, नहीं करना भी चाहिए, ये वाइटल डॉक्यूमेंट है। अगर डिले हो गया तो पूरे केस पे इसका इफेक्ट पड़ता है। इन्वेस्टिगेशन कितना भी अच्छा तुम करो उसकी कोई अहमियत नहीं रहती, कोर्ट में खत्म हो जाती है। ये इमीडिएटली कोर्ट में पहुंच जाना, दाखिल हो जाना और आप रजिस्टर करके भेज दीजिए, एफ आई आर रजिस्टर करके आप खुद पुलिस स्टेशन से वो पर्टिकुलर पुलिस स्टेशन को आप भेजा सकते हैं। हैबियस के माने प्रोड्यूस, कार्पस के माने बॉडी। अगर बच्चा जो है कोई किडनैप किया है, बच्चा हो शोहर हो कोई भी, किडनैप होने के बाद उसको कोर्ट में हाजिर करने के लिए रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस हाई कोर्ट में पेश करते हैं 226 के तहत। वो रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस होने के बाद नोटिस जाती है पुलिस स्टेशन को कि वो कहाँ है बच्चा, उसको कोर्ट में प्रोड्यूस करो, प्रोड्यूस बिफोर द कोर्ट। हैबियस कॉर्पस, हैबियस का माने प्रोड्यूस, कॉर्पस का माने बॉडी, बॉडी को बोलते हैं, लैटिन वर्ड है, कोर्ट में प्रोड्यूस करो। तो वो केस में क्या हो गया, एफ आई आर रजिस्टर नहीं हुआ, उन्हें अमृत बोली में जाके पुलिस स्टेशन में कंप्लेन दी, रजिस्टर नहीं किए और ये बोल के नहीं किए कि उनके ज्यूरिडिक्शन में नहीं आता। तो सीरियस व्यू लिए हाईकोर्ट ने, कहा कि भाई तुम ऐसा नहीं बोल सकते। जब एफ आई आर आई थी कंप्लेन देने के लिए, कंप्लेन लेके आप क्राइम रजिस्टर करना चाहिए था और जो जिस पुलिस स्टेशन के ज्यूरिडिक्शन में ऑफेंस हुआ है वो पुलिस स्टेशन को आप एफ आई आर वहां भिजवा सकते थे। इसलिए सजा के तौर पर एक हफ्ते तक पुलिस के सामने झाड़ू देने की सजा हाईकोर्ट ने सुनाया। ये कानूनी है या गैर कानूनी अलग बहस है, वह सजा तो हाईकोर्ट क्यों गई, जजमेंट तो आ गया, अब उसको मैंडेटरी है, उसको मानना ही पड़ता, नहीं तो अपील में जाके उसको स्टे करना। अगर वो इंस्पेक्टर अपील में नहीं गया, उसको स्टे नहीं किया तो वो फाइनल हो गया, उसको कंप्लाई करना ही पड़ता, नहीं तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाता। जिस तरह से दो व्यूवर्स हमारे देख रहे हैं आपको इस वक्त, मैं चाहता हूं कि उनको आप ये बताएं कि जब भी कोई भी लोग जब पीएस को जाते हैं अपनी एक शिकायत दर्ज कराने के लिए, जब उनकी शिकायत दर्ज नहीं होती है तो उसके बाद वो क्या स्टेप उठाएं, किस तरह से वो काम करें। एसपी के पास जाना चाहिए, एसपी को क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में जो पावर्स पीएसआई को है वही पावर्स सर्कल इंस्पेक्टर को भी है, सर्कल इंस्पेक्टर जो पावर्स है डीएसपी को भी है, डीएसपी को जो पावर्स है एसपी को भी है। अगर सब इंस्पेक्टर एफ आई आर रजिस्टर नहीं कर रहा है तो डायरेक्ट एसपी के पास जा सकते हैं, एसपी को पावर्स है कि वो खुद एफ आई आर रजिस्टर कर सकता है और या तो डायरेक्शन दे सकता है ऑपरेशन को इसको रजिस्टर करवा के, हायर ऑफिसर के पास अप्रोच हो सकते हैं, उनको भी वही पावर्स है, वो एक ही है सर, दूसरे के नहीं है, रेवेन्यू में नहीं है, सिर्फ पुलिस डिपार्टमेंट में है कि ऑल द पावर्स वेस्टेड विद द लोअर ऑफिसर्स द सेम पावर्स आर वेस्टेड विद द हायर ऑफिसर्स। तमाम पीएस को क्या मैसेज देना चाहेंगे, जितने भी पुलिस ऑफिसर्स इस तरीके की जो देखने में आते हैं, जो पेश के आते हैं शिकायत दर्ज करने वालों के साथ, तो उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? ये मैसेज है कि पुलिस ऑफिसर्स का बिहेवियर हाईली कल्चर्ड होना चाहिए। जो लोग भी पुलिस स्टेशन आते हैं कंप्लेंट्स लेके, उनके साथ बिहेवियर अच्छा होना चाहिए, सही मशवरा देना चाहिए, कंप्लेंट अगर लेके आए हैं तो एफ आई आर को रजिस्टर करना चाहिए और जो इन्वेस्टिगेशन खुद कर सकते हैं तो इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए, वो ऑफेंस आपके उनके ज्यूरिडिक्शन नहीं आता तो भिजा देना चाहिए। ये मालूमात हर पुलिस कांस्टेबल से लेके सब इंस्पेक्टर सर्कल इंस्पेक्टर तो बहुत जरूरी है। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 154 ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड दे शुड रीड सर्कल इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर, ऐसा नहीं है कि हमारा सबको नहीं है, ये कुछ ऑफिसर्स को शायद मालूमात नहीं है मगर बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स को मालूम आता है इस तालुक से 154 में बहुत कम लोग गलती करते हैं। एक इत्तेफाक से होगा ये गलती। थैंक यू सर।